आज हम कक्षा 6 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ये बात लिखी है लेखिका ने, और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना यानी समझदार, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मेरा मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वकार, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो लेखिका जो उस समय उनके समय में जो वस्त्रों का पहनावे का जो प्रचलन था उसका वर्णन वो कर रही। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग की याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। तो लेखिका है जो अपना जो पढ़ाई करती थी हॉस्टल में, उस समय की बातें हमारे हमसे बता रही हैं कि उनका जीवन उस समय कैसा था। तो हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नए नए किस्म के शू आ चुके हैं, नए नए किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर, शनिचर यानी शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, सैतूत और फालसे
और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसबरी। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आई। चेस्टनट एक और अजब गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना था चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़ियों पर तेज मसाला बुरकाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही ले रफ्तार थी। छुटपुर में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। तो इस पाठ में लेखिका ने उनके बचपन के दिनों की वो बातें बताई जो उनको बहुत अच्छी लगती थी। उनको क्या पसंद था क्या पसंद नहीं था, उनका जो अनुभव है बचपन का, उन्होंने इस पाठ में बताने की कोशिश की है। तो आज हम पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।